हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल कुमार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छा जनरल टॉनिक्स के बारे में बात करूंगा, जो जनरली बहुत सारे ऐसे बॉडी को ज़रूरत होते हैं टॉनिक्स के बारे में बताऊंगा, जो हमारे बॉडी को बहुत हद तक ज़रूरी भी होता है और जो लोग हेल्दी पर्सन हैं उनके लिए ऐसी टॉनिक का हैबिट बहुत ही ख़राब होता है, तो उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों में इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे मैं टॉनिक्स बताऊंगा जो अपने लेवल पे बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। होम्योपैथी की कुछ बहुत अच्छी होम्योपैथिक मदर टिंचर्स है जो एज ए टॉनिक बहुत ही इफेक्टिव काम करती है अगर उस तरह का कंडीशन हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वो कौन कौन सी होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है जो एज ए टॉनिक हम लें तो हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी कमी हो जाने के बाद हमें कुछ इस तरह के टॉनिक्स का यूज करना पड़ता है जो हमारे नॉर्मल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के कंडीशन को ठीक करने के लिए आप तरह तरह के टैबलेट्स फॉर्म में या मल्टीविटामिन या टॉनिक्स लेते हैं। तो दोस्तों, टॉनिक लेना एक गुड हैबिट नहीं है अगर पेशेंट नॉर्मल हेल्थ वाला हो। जब आपको प्रॉब्लम लगे कि हमारे बॉडी में इसकी ज़रूरत है तब आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि कौन सी इफेक्टिव मदर टिंचर्स है जो बहुत ही अच्छा वर्क करती है एज ए टॉनिक, और कंडीशन उसके मेडिसिन के हिसाब से मैं बताता जाऊँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि कौन सी मदर टिंचर आपको किस चीज के लिए एज ए टॉनिक यूज करनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पहली मेडिसिन है वो है अल्फा अल्फा मदर टिंचर होती है दोस्तों, और इसका जो मेन काम होता है एक्ट एज ए डाइजेस्टिव टॉनिक। हमारे डाइजेस्टिव जो भी प्रॉब्लम रहता है, इसके साथ साथ दोस्तों ये जो हमारे खाने में बहुत सारे पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको भूख नहीं लग रहा हो, भूख ना लगने की समस्या को भी बहुत ही अच्छे से ठीक करता है। कहने का मतलब टॉनिक एपेटाइट, जो हमारे एज ए एपेटाइट स्टिमुलेंट वर्क करता है, इसके साथ साथ दोस्तों हमारे सेहत को भी इम्प्रूव करता है, हमारे मेंटल एंड फिजिकल वीगर को भी इम्प्रूव करता है, और इसके साथ साथ दोस्तों हमारे वेट गेन कर जो लोग करना चाह रहे हो उसमें ये मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। और हमारे बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स डाइजेस्टिव रिलेटेड होती हैं, तो आप इस मदर टिंचर को जरूर लें। इसको आपको जो लेने का तरीका रहेगा दोस्तों, आपको इसकी 10 बूंदें लेनी है थोड़े से पानी के साथ में, और इसको आप दिन में दो बार लीजिए। 10 बूंद थोड़ा सा पानी, कहने का मतलब कि एक कप के अंदर एक हिस्सा पानी डालिए, 3 हिस्सा ऊपर का खाली छोड़ दीजिए, और उसमें 10 बूंद डाल के दिन में दो बार लीजिए। बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा और आपको इसको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 से 15 दिन लीजिए, आपको इफेक्ट दिखने लगेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो आप इसको। दोस्तों, जो दूसरी मेडिसिन है वो है स्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर, फॉर्म में लेनी है आपको। ये लंग्स टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है दोस्तों, जिन लोगों को रेस्पिरेटरी संबंधित समस्याएं होती हैं, जिन लोगों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, और जिन लोगों में लंग्स से रिलेटेड किसी तरह का भी समस्या हो, एज ए टॉनिक स्पिडोस्पर्मा इज वेरी गुड रेमेडी फॉर लंग्स टॉनिक्स, रेस्पिरेटरी टॉनिक्स। और इसको आपको 10-10 बूंद दोस्तों लेनी रहेगी 1/3 कप ऑफ वाटर के साथ। बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा जिन लोगों को डिटॉक्सिकेट करना है अपने लंग्स को, अपने लंग्स को स्वच्छ रखना है, अपने लंग्स को हेल्दी रखना है, तो आप जरूरत के हिसाब से आपको इसको 10 से 15 दिन लीजिए, और जब प्रॉब्लम आपको लगे कि मेरा ठीक हो गया तो इसको बंद कर देना है। दोस्तों, जो तीसरी मेडिसिन है, इसमें दो मेडिसिन है, एक है कैक्टस मदर टिंचर और दूसरा है क्रेटिकस मदर टिंचर, और इसको एज ए हार्ट टॉनिक बहुत ही इफेक्टिव काम करता है दोस्तों। ये दोनों दवाइयाँ मिलकर हमारी जो हार्ट की स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करता है और हार्ट में आने वाली गंभीर बीमारियों से भी बचाता है। तो दोनों दवाइयों को आपको दोस्तों 5-5 बूंद थोड़े से पानी के साथ, मतलब 1/3 कप ऑफ वाटर के साथ दिन में दो बार लीजिए। आपको थोड़े समय के लिए ही इसको लेना रहेगा दोस्तों, 10 से 15 दिन लीजिए, आपको हार्ट को एज ए टॉनिक बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। दोस्तों, जो चौथी मदर टिंचर है ये कॉन्स्टिपेशन, जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती हो और हमारे जो कब्ज के कारण जितनी भी समस्या रहती है, इसमें एज ए इंस्टेस्टाइनल टॉनिक इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमारे जो खाना पचाने की पावर है उसको इम्प्रूव करता है,
उसके साथ साथ दोस्तों जब हमारा खाना अच्छे से पचेगा तो हमको कब्ज की शिकायत नहीं होगी। इससे एज ए मोस्टली इसको कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा कब्ज की समस्या रहो। एज ए लैक्सेटिव आप इसको यूज कर सकते हैं अपने बेड टाइम के दौरान। आप इसकी 10 बूंदे 1/3 कप ऑफ वाटर के साथ दिन में 3 बार लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा। एज ए कॉन्स्टिपेशन में जो समस्याएं होती है उसको ठीक करेगा। आप इसको लीजिए एज ए लैक्सेटिव, बहुत ही इफेक्टिव काम करता है दोस्तों। कैस्कारा मर्डर टिंचर, दोस्तों जो अगली मर्डर टिंचर है वो क्रेटिकस मर्डर टिंचर एज ए हार्ट टॉनिक इज अ वेरी गुड। इसमें देखा गया जो हमारे हार्ट की मसल्स होती है दोस्तों उस पर इसका एक्ट बहुत ही अच्छा होता है। हमारे हार्ट वाले मसल्स में बहुत ही अच्छा ये वर्क करती है, उसको स्ट्रेंथ प्रदान करती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती हो उन लोगों को भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या को भी ठीक करने में काफ़ी मदद करती है क्रेटिकस मर्डर टिंचर एज अ हार्ट टॉनिक। इसका यूज बहुत ही इफेक्टिव रहता है दोस्तों। तो आप क्रेटिकस मर्डर टिंचर को 10 बूंद दिन में 3 बार लीजिए दोस्तों। ब्लड प्रेशर अगर आपका लो रहता है तो आप इसको अपने जब भी आपको लगे कि ब्लड प्रेशर लो रहा चेकअप के बाद आप इसको ले सकते हैं दोस्तों, तो उस ब्लड प्रेशर को भी ये ठीक करेगा। और एज ए हार्ट टॉनिक इज अ वेरी गुड रेमेडी, तो आप इसको जरूर ले दोस्तों। दोस्तों जो अगली मर्डर टिंचर है वो है टर्नेरा मर्डर टिंचर और ये बहुत ही इफेक्टिव काम करता है जिन लोगों को सेक्सुअल डाइबिलिटी हो। एज ए सेक्सुअली टॉनिक कह सकते हैं इसको। बहुत सारे जैसे बहुत सारे लोग शिलाजीत इस तरह की चीज़ों का यूज करते हैं तो उससे अच्छा है टर्नेरा मर्डर टिंचर का यूज कीजिए। ये सेक्सुअल डायबिटी को ठीक करता है, जिन लोगों में सेक्सुअल रिलेटेड जो वीकनेस रहती है उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है एज ए टॉनिक। और इसके साथ साथ दोस्तों महिलाओं में फर्टिलिटी की समस्या को भी ये कम करता है दोस्तों। तो जरूर आपको लेना है टर्नेरा मर्डर टिंचर को। आपको इसको 10 बूंद 1/3 कप ऑफ वाटर के साथ लीजिए दिन में 3 बार, बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा इस तरह की समस्या में एज ए टॉनिक। दोस्तों एक बात का हमेशा खास ध्यान रखिएगा कि जो टॉनिक का यूज है आपको कंडीशनली लेना होता है दोस्तों। जब आपको उस तरह का कंडीशन हो तभी लेना है, क्योंकि अगर आप हेल्दी पर्सन हो, आप हेल्दी हो तो किसी तरह का भी टॉनिक लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो आप हमेशा अपने अगर इस तरह का कंडीशन हो तभी टॉनिक्स का यूज किया करें। तो दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों आप एक बात का हमेशा ख्याल रखा करें कि जब भी आपको भोजन करना है आपको पौष्टिक भोजन लेना है। हेल्दी डाइट हमेशा से बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है, गंभीर बीमारियों से बचाता है। तो नॉर्मल आप पौष्टिक डाइट ले, पौष्टिक डाइट लेने से आप हमेशा से खुश रहिएगा, खुश मिजाजी रहेगी आपके अंदर। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।